नमस्कार सर। नमस्कार भैया। अच्छा सर, ये जो पार्लियामेंट में हुआ ये कल परसों, तो उसमें अब जो चीजें हुई वो सारी दुनिया को पता है, कौन थे वहां लोग, क्या क्या किया, ये सब कुछ सबको पता है। लेकिन उसमें एक जो बात आई है कि शहीद आजम भगत सिंह का नाम आ रहा है, मतलब इस घटना को कह रहे हैं लोग कि शहीद भगत सिंह की याद आ जा रही है, ठीक है ना? तो आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है श्रवण जी, लेकिन इस प्रश्न में जो विडंबना है वह मुझे बार बार अंदर से जैसे चौंकाती भी है और बहुत सोचने को मजबूर करती है कि क्या कैसे हमारे जो भी इस ढंग के विश्लेषक हैं या राजनेता हैं जो इसको भगत सिंह से जोड़कर देख रहे हैं, कहाँ भगत सिंह और कहाँ ये लोग। भगत जी सिंह का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र की स्वाधीनता की चेतना से और राष्ट्र के उन्नति के लिए भगत सिंह लड़ाई लड़ रहे थे। जो एक गुलाम हम देश में थे और अंग्रेजों से मुक्ति पाने का यह संघर्ष था। आज तो देश स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को हर तरह की आजादी है, और उसके बावजूद एक अपने किसी तुच्छ स्वार्थ या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण अभी पूरी जांच होकर आई नहीं है, लेकिन अब तक जो मीडिया से पता चला है उससे ही पता चलता है कि कोई बड़ी साजिश है जो देश को, देश के संतुलन को, देश की स्थिरता को और देश के भाईचारा को तोड़ने की कोशिश है ये। तो भगत सिंह से कृपया इसकी तुलना हम और आप जैसे लोग तो ना ही करें जो देश के सच्चे शुभचिंतक हैं। अच्छा, इसमें जो लड़की बाहर थी जो धुआं वाला वो कैंस्टर छोड़ रही थी, वो बार बार कह रही थी कि तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, और अंदर जो लड़का गया उसने वो कैंस्टर वो जलाए। तो बहुत सारे लोग, मतलब जैसे एक विजेंद्र सिंह हैं, बॉक्सर हैं, मतलब कि जाने माने बॉक्सर हैं, हिंदुस्तान में हर कोई जानता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस घटना से भगत सिंह की याद आ गई है। अब बताइए। मैं इस बारे में श्रवण जी कहना चाहता हूँ कि आपने दो तीन लोगों का जिक्र किया। एक तो वही मनोरंजन और सागर जो संसद में, संसद भवन के वहां से कूदे और वहां पर उन्होंने जो गैस का एक तरह से केमिकल गैस को चारों तरफ फैलाने की कोशिश की। दूसरी तरफ वो लड़की नीलम आजाद जो संसद के बाहर अपने अलग तरह के तमाशे कर रही थी। बहुत दुख होता है मुझे इसको भगत सिंह से जोड़ते हुए। हम आजाद देश में रहते हैं जहां इसका अपना संविधान है और वह संविधान बाबा साहेब के द्वारा बनाया संविधान है। गुलाम देश में जब हम पराधीन थे उस समय तो जो हमारा शासक और शोषक दोनों ही था, जो किसी तरह से कानून के राज पर नहीं चलता था, रोज तरह तरह के हिंसा, तरह तरह के शोषण, तरह तरह के अत्याचार, वहां पर उसका प्रतिकार करने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में एक छोटा सा बम चलाया था जो एक तरह का अहिंसक बम था, जी, जो अंग्रेजों को की नींद को जगाने के लिए बम था, अपने एक देश के लिए, सुराज के लिए बम था, गरीबों के लिए, समाज के जो कमजोर तबके हैं या समाज का चाहे उन्नत तबका भी अगर था कोई तो उन सबको एक अपने सुराज की व्यवस्था देने के लिए वो बम था। लेकिन आज जब देश स्वाधीन है, एक अच्छा वातावरण है देश का, संसार में एक हम बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि संविधान का राज है और बाबा साहेब के संविधान का राज है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनवाया तो संविधान में हमें बहुत सारी शक्तियां दी, अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है हमें। और बताइए कि जहां भगत सिंह ऐसे अंग्रेजी शोषण, शासन और देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो देश आजाद है, संविधान का शासन है, वहां पर इस ढंग की ओछी हरकतें करना और खासतौर से जैसा कि बार बार आ रहा है कि कोई साजिश भी इसमें शायद लगती है, इसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है, अभी पूरी जांच जारी है। ये बहुत ही प्लान्ड है, सुनियोजित है, खासतौर से तब कि जब आपके देश में चुनाव होने वाले हैं और भारत तेजी से एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, तेजी से एक सामरिक शक्ति भी बन रहा है, आपके कुछ सारे पड़ोसी देशों में भी इसको लेकर हलचल है, वो परेशान है, और भी संसार की कुछ शक्तियां जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो भी परेशान है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हो, इसका यूज किया हो? सारी बातें तो तहकीकात के बाद ही मालूम पड़ेगी। और रही बात विजेंद्र सिंह जी की, देश के हमारे सम्मान करता हूँ, वो हमारे देश के, उन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी में,
लेकिन मुक्केबाजी में प्रतिष्ठा दिलाने का कतई मतलब नहीं है कि समाज और राजनीति को भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि विजेंद्र जी जैसा मुक्केबाज जो एक तरफ देश को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दिलाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज देश की इज्जत को उसने एक तरह से दांव पे लगा दिया। बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोगों से, इस अराजक लोगों से जो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और स्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उनका आप समर्थन कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, विजेंद्र जी इन बातों पर आप रुक जाइए, आप क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो यह देश आपको माफ नहीं करेगा। तो ये आपको क्या लगता है कि ये प्रतीक के रूप में भगत सिंह को चुनते हैं? ये तो अब सबको मालूम हो गया है कि ये लड़की जो नीलम आजाद थी, वो जहां भी प्रदर्शन होता था वहां चली जाती थी। अब तक 50 जगह पे उसके सारे क्लिप्स आ चुके हैं, असली दिख रहा है कि ये प्रोफेशनल जो है वो आंदोलनकारी है। तो और भी कई चीजें सामने आ रही हैं, तो ये इन सब जानते हुए भी क्या भगत सिंह को का इस्तेमाल करते हैं ये लोग मौजूदा शासन के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ? भगत सिंह के नाम का दुरुपयोग है, बाबा साहब के जो संविधान है उसका दुरुपयोग है, महात्मा गांधी और भगत सिंह के सपनों का दुरुपयोग है। और देखा जाए तो ये भारत के विरोधी, कई बार मुझे लगता है कि जो भारत की विरोधी शक्तियां हैं उनके हाथों में खेलने जैसी चीजें, मुझे लगता है, बार बार मुझे ऐसा लगता है, हालांकि पूरी प्रामाणिक जानकारी तो इसके जांच के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह का स्वप्न क्या था? भगत सिंह का स्वप्न न केवल स्वाधीनता थी, बल्कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो उनका पुस्तक है उसमें उस स्वाधीनता के माध्यम से एक सुराज का सपना था, जहां पर गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान सबको मुहैया हो सके, और हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवाओं को हर वह चीजें मिल सके अच्छी जो संसार के उन्नत देशों को मिल रही थी। यही तो भगत सिंह का स्वप्न था, यही तो महात्मा गांधी का स्वप्न था, यही तो सुभाष चंद्र बोस का स्वप्न था, यही तो हमारे बाबा साहेब का स्वप्न था। और यहाँ पर मोदी सरकार भगत सिंह के जहाँ स्वप्न को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहां पर भगत सिंह का नाम लेकर देश की संसद का अपमान, सरकार का अपमान और देश की जनता में एक अराजकता फैलाने की कोशिश, यह तो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने ऐसा करतूत किया है वो क्षमा मांगे और बताएं कि साजिश के पीछे कौन था, कौन लोग थे जिसके हाथों में वो खेल रहे हैं। जी, और अक्सर ये लोग चुनते हैं, दो तीन शब्द हैं, जैसे बेरोजगारी है, तानाशाही है। तानाशाही की बात अगर करें तो इस देश में तानाशाही तो सिर्फ एक ही बार आई थी 1975 में, जब इमरजेंसी या आपातकाल लागू हुआ था। इस देश का जो मिजाज है, जो हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा रही है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश केवल संविधान आने के बाद ही नहीं रहा, संविधान आने के पहले भी जो भारतीय मानस है प्राचीन काल से वो लोकतांत्रिक मानस है। तो तानाशाही की बात करना तो एक झूठे, जैसे कहते हैं ना कि तिल का ताड़ बनाना है या बात का बतंगल बनाना है, या एक गॉसिप जो कहते हैं कि किसी झूठ को 100 बार कहो तो कहीं सच ना लगने लगे। ठीक है सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई और इसमें बहुत सारी चीजें लोग समझेंगे अपने अपने तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।